हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है अपने सेव कल्चर हेरिटेज यूट्यूब चैनल में। हाँ दोस्तों, आज आपको घुमाएंगे मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ किला, उदयपुर। हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा अभी बारिश का टाइम भी, वर्षा ऋतु भी चल रहा है, बहुत अच्छी उदयपुर घूमने की जगह है। यहाँ आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ जो लेख है, बताओ। थॉमस फुलर ने कहा था कि स्मृति मन का खजाना है, जो आपके मन में है वो आपका मन का खजाना है, जिसमें स्मारकों को जीवन भर के लिए रखा है और संरक्षित किया जाता है। अपने मन की भावना एक स्मारक ऐसी चीज है जो जीवन भर रख सकती है। महल इतिहास में कभी न मिटने वाला निशान है दोस्तों। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि महल के पास बताने के लिए एक रोमांचक कहानी होती है, चाहे वो उसके निवासियों के लिए या उससे जुड़े लोगों के बारे में। ऐसी कहानी अपन सज्जनगढ़ पैलेस से आती है, जो मानसून के पैलेस के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। अपन बात करेंगे कि सज्जनगढ़ किले की स्थापना और उसके बारे में जानकारी, यानी उसका हिस्ट्रिकल मामला यानी इतिहास। मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ किला, महल का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने नेतृत्व में हुआ था। महाराणा सज्जन सिंह जी एक प्रभावशाली विचारक और विकासकर्ता और मेवाड़ राजवंश के अल्पकालिक शासक थे, जिन्होंने कम आयु में और कम काल शासन किया। भले ही उन्होंने केवल 10 वर्षों यानी 1874 से लेकर 1884 तक शासन किया, लेकिन उन्होंने उदयपुर शहर के गौरव और संस्कृति को संरक्षित करने और स्थापित करने में अपना असाधारण योगदान दिया। उनके नागरिक कार्यों में बाधाओं, सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। 19वीं शताब्दी में महाराणा सज्जन सिंह के काल में उदयपुर को भारत की दूसरी नगर पालिका का दर्जा मिला दोस्तों। नवंबर 1881 में महारानी विक्टोरिया जी के राज्याभिषेक अवसर पर महाराणा को लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टोर ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। समय की मार से बचा सज्जन किला अरावली पहाड़ी की चोटी पर बना एक शानदार और आश्चर्यजनक महल है। 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा आलिशान निवास था, जो उन्होंने निर्माण करता उनके लिए एक आलिशान निर्माण था। महल से फतेहसागर झील, सिटी पैलेस और राजाओं के पृथक घर यानी चित्तौड़गढ़ जो मनमोहक नज़ारा भी आप आज देखते हो दोस्तों। मेवाड़ सम्राट के महल, इतिहास और संस्कृति उदयपुर में फैले हुए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए दोस्तों। हॉलीडे DNA के विभाग उदयपुर टूरिज्म में हम आपके लिए जिलों के स्वर्ग हर अद्भुत पहलू को सर्वोत्तम तरीके से तलाशने संभव देख सकते हो आप दोस्तों आराम से। हम दोस्तों सज्जनगढ़ किले की वास्तुकला, जो संस्कृति, जो कलाकारी, उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों अरावली पहाड़ी से 3100 फीट ऊपर स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार यह महल 9 मंजिला होना था, लेकिन राजा की असामयिक मृत्यु के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया दोस्तों। हालांकि बाद में इसे उत्तराधिकारी फतेह सिंह जी ने पूरा किया था और शाही परिवार सज्जन पैलेस का इस्तेमाल चारागाह शिकार के साथ मानसून के बादलों को देखने के लिए किया जाता दोस्तों। इस तरह से उसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है।